भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती को धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधान पार्षद भाजपा नेता जीवन कुमार का अभिनंदन समारोह कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दुर्गा राज और संचालन प्रहराद राय ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अज्ञाव विधानसभा के पूर्व विधायक सह प्रदेश नेता सिवेश राम और विशिष्ट अतिथि पूर्व कृषि मंत्री शाहरा नगर विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तैलचित्र पर उपस्थित अतिथियों और कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प अर्पित कर एवं वंदे मातरम गीत के साथ हुआ। वहीं आगत अतिथियों का स्वागत जिलाध्यक्ष दुर्गा राज और कार्यक्रम संयोजक शुरभान सिंह द्वारा अंगवस्त्र एवं फूलमाला के साथ किया गया। मुख्य अतिथि सिवेश राम ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के जनक थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन संघर्ष में रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाने में जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। बड़ौदा के राजा ने उन्हें पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया। डॉक्टर अंबेडकर नौ भाषाओं के प्रगाढ़ विद्वान थे। विश्व के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया। भारत रत्न की उपाधि भाजपा गठबंधन के शासनकाल में ही मिली। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान सबका दिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी उच्च मान सम्मान देने का कार्य किया। वहीं नवनिर्वाचित विधान पार्षद जीवन कुमार को सम्मानित करते हुए कहा कि एक युवा शिक्षक प्रतिनिधि शिक्षकों का मान सम्मान और उनके हित में कार्य करेगा। बतौर विशिष्ट अतिथि बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री व आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज पूरा देश याद कर रहा है। उनको विश्व का सबसे बड़ा संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर सबको सम्मान अवसर सभी को सम्मान देने वाला संविधान के जनक है। वहीं आरा नगर विधायक ने भाजपा के गया क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधान पार्षद जीवन कुमार को अभिनंदन करते हुए उनको शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भाजपा से नवनिर्वाचित शिक्षक प्रतिनिधि शिक्षकों की चिंता करेंगे, उनसे हम सभी का लाभ प्राप्त होगा। उनके नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के साथ विकास होगा। वहीं नवनिर्वाचित प्रतिनिधि जीवन कुमार ने अपने अभिवादन समारोह से गदगद होकर भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं पार्टी का आभारी हूं और मुझे पार्टी द्वारा टिकट दिया गया। मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम को मंचा सिंह, जिला प्रभारी टीएन सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुशवाहा, निवर्तमान जिलाध्यक्ष डॉ प्रेम रंजन चतुर्वेदी, भाजपा नेता अशोक शर्मा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विजय सिंह, हरेंद्र पांडे, सीडी शर्मा, भूअरोझा संतोष चंद्रवंशी, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष शैलेन्द्र राम ने भी संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन जिला मंत्री सह कार्यक्रम सह संयोजक वंदना राजवंशी ने किया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री श्री भगवान सिंह, अभिषेक राय, जिला उपाध्यक्ष कौशल यादव, लव पांडे, आदित्य विजय प्रताप, मंगलाचरण तिवारी, जिला मंत्री वरुण सिंह, प्रवक्ता संजय कुमार सिंह, नवीन प्रकाश सिंह, कोषाध्यक्ष दीपक सिंह, आईटी संयोजक कुमार गौतम, ओमकार पांडे, मीरा यादव, सूर्यकांत पांडे, प्रेम पंकज ललन, अजय सिंह, अखिलानंद ओझा, सतीश भट्ट, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, विनय सिंह, राकेश रंजन, सुनील कुमार, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश सिंह, शंकर दयाल कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, विद्याभूषण पांडे, रंजीत कुमार, जीतू चौरसिया, अजय सिंह, केशव राय सहित जिला मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सबसे पहले भोजपुर की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के अपने तमाम कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज उनके आशीर्वाद से और शिक्षक समाज के आशीर्वाद से हमें जो चुनाव में प्रचंड जीत मिली है, हम उनके लिए बड़ा आभारी हैं और हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज उनके जीत के कारण हमारी जीत हुई है और इस जीत के साथ जो हमें एक फेस करना पड़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तुरंत एक हमारी जीत के बाद काला कानून लाया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इसका विरोध करता हूं कि जो 15-16-17 साल से पढ़ा रहे नियोजित शिक्षक हमारे जो बीच में हैं, आज उनको चुनाव जो है जीतने के पहले आपने उनसे वादा किया था कि हम उनको राजकर्मी का दर्जा देंगे और अभी आपने राजकर्मी का दर्जा देने की बात तो दूर, एक नया एग्जाम देने की बात आपने कह दी कि आप नया एग्जाम दीजिए और फिर से उस एग्जाम के बाद आपको राजकर्मी का दर्जा देने पर विचार होगा। ये एक तरह से छल प्रपंच है। आपने चुनाव जीतने के पहले जो है वादा किया था, कभी कोई वादा किया 10 लाख, कोई वादा किया 20 लाख का नौकरी देंगे, और जब एसटीईटी अभ्यर्थी जब उन पास कर गए, और आपने पहले भी कई बार अनाउंस किया कि जो एसटीईटी अभ्यर्थी पास कर चुके हैं उनको हम मतलब कि नौकरी देंगे, नौकरी देने का वादा किया, अब जब नौकरी देने की बारी आ गई तब वो कहते हैं कि फिर से एग्जाम दीजिए। ये कौन सा बात है? ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है
एक बहुत बड़ा छल प्रपंच है, छल प्रपंच का एक्सप्रेस फिर न्याय से आप कागज लिख रहे हैं, और जो लाखों लोग पहले से पास कर चुके हैं, चाहे एसटीईटी के, चाहे टीईटी के माध्यम से, चाहे और भी अन्य माध्यमों से बहुत सारे लोग पास कर चुके हैं, आपने उनसे चुनाव के पहले वादा किया था कि हम आपको नौकरी देंगे, अब जब नौकरी देने की बारी आई तो फिर नई नई बातें कर रहे हैं, तो मिला जुला कर ये हमें जो ज्ञात हो रहा है कि आपको नौकरी वोकरी देना नहीं है, केवल झांसा देना है, और झांसा देने के साथ साथ ये जो प्रपंच है आप चलाते रहेंगे। तो हम शिक्षकों के साथ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि शिक्षक समाज आज रोड पर उतरने को विवश है इन सारे मुद्दों को लेकर, और मैं शिक्षक समाज के साथ हूं, उनके संघर्षों के साथ हूं। मैं एमएलसी के प्रत्याशी के रूप में चुना गया हूं जरूर, लेकिन मैं उनके संघर्षों का साथी हूं और उनके संघर्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। जीत की बात सरकार से पहले लड़ाई, लड़ाई की बात नहीं है उनके संग, मैं जो चुनाव जीता हूं तो शिक्षक समस्याओं को लेकर उनकी बातों, आज निजी शिक्षक है, हमारे अतिथि शिक्षक है, आज उनको परमानेंट करने की बारी आनी चाहिए। तो आज एक नया उन पर जो है आप कुंठित करने वाला बात बोल रहे हैं, आज हमारे संस्कृत शिक्षक है, आज हमारे वित्त रहित कॉलेजों के शिक्षक है, आज वो सारे के सारे पहले से परेशान है, अब फिर से एक नया परेशान करने का आप एजेंडा बना रहे हैं। तो हम सरकार से लड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं शिक्षक समस्याओं को समाधान के साथ हूं, मैं उनके संघर्षों के साथ हूं और उनके संघर्षों के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे रोड पर जो आंदोलन वो उनके साथ करना पड़े तो उसके लिए मैं पीछे नहीं भागूंगा, मैं कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हूं। आज 14 अप्रैल है और हमारे भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का जयंती है, और उनके जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत बड़ा कार्यक्रम जिला स्तरीय किया गया और प्रदेश में भी हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। नया सप्ताह का नियम है कि हम लोग नीचे तबके से लेकर हर वर्ग के लोग के साथ एक न्याय के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी चलने का काम करती है। 6 तारीख से ये स्टार्टिंग हुई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पर लेकर, हमारे 11 तारीख को महात्मा फुले के जयंती पर भी भव्य जिला पर कार्यक्रम किया गया, साथ ही आज समापन हुआ हमारे संविदाता भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर। आज अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया गया था मैडम, तो जीवन कुमार जी, जी ये हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अभी बिहार में बड़ी पार्टी उभर के आई है इनके एक जीत के साथ, तो उनको अभिनंदन हमारा जिला किया और हमें बहुत अच्छा लगा जीवन बाबू आए, तो सफल कार्यक्रम के लिए जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में लगे हुए थे सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। बन्ना राजवंशी, जिला परिषद सदस्य, उद्वत नगर पूर्वी, और मैं जिला मंत्री अभी हूँ भाजपा।